ओनली फॉर दैट डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिटिक्स. एवरी टाइम व्हाट एवर डेटा साइंटिस्ट आर यूजिंग सॉफ्टवेयर और एनी एप्लीकेशन, दे आर यूजिंग पांडास. ओके, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू इन द टेबलर फॉर्मेट थिंग्स यू कैन डू बाय द पांडास. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक वी कैन डू ऑल द टेबुलर थिंग्स आर इन द एक्सेल ऑल्सो. तो एक्सेल में क्यों नहीं, हम पांडास में क्यों कर रहे हैं? तो आप ये सोचो कि अगर आपके पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस डेटा हो, देन कैन यू डू बाय द एक्सेल? नो, इन दैट टाइम यू कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ द मिलियन ट्रिलियंस डेटा आर देयर, नंबर ऑफ रोज आर टू मच एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर टू मच. देन हाउ यू कैन फाइंड आउट इफ एनी डेटा मिसिंग इन एनी रैंडम रो एंड कॉलम? ओके, सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज पांडास. एंड पांडास हैव मैनी डिफरेंट थिंग्स आर देयर बिकॉज दैट पांडास कैन एबल टू रीड एंड राइट ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑल्सो. फॉर्मेट्स लाइक दैट वे कैन बी रीड सी एस वी फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, टी एस वी एंड टी एक्स टी फाइल्स ऑल्सो इट कैन बी रीड, एक्स एम एल ऑल्सो इट कैन बी रीड, जे एस ओ एन जेसन ऑल्सो इट कैन बी रीड, zip file also it can be read, and multiple files that can be read. And pandas have different different data structures also. Okay, so like that pandas is using for only data analysis purpose. Okay, next it will be coming pandas versus excel. Okay, so for an example, if I am showing you one diagram here. Now you can see here, there is one table are there, okay? So in this table, number of columns and number of rows are there. Okay. So here you can see in the workplace number column number B, in the workplace column and number row is 7. In here, there is some missing values are there. So many times you can see different columns and rows have no values, or some columns have question mark, some column have different things. So now you can see where there is no values are there, those are called the missing values, and where question mark are there, that will be different values which are not useful for your database. Okay, for the मान लो कि अगर आपके पास कोई भी एक database एक एक्सेल शीट है जिसमें आप different values सेव कर रखिए. जैसे इस वाली फाइल में आप देख सकते हो एज का कॉलम है, वर्क क्लास का कॉलम है, और जेंडर का कॉलम है, एजुकेशन का कॉलम है, मटेरियल स्टेट्स का कॉलम है, ठीक है, स्टेटस का. तो अब इसमें सारा डेटा यहाँ पर सेव किया गया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो अब इस डेटा में क्या किया गया है कि कुछ कहीं कोई डेटा आपका मिसिंग है, कहीं कोई डेटा आपका क्वेश्चन मार्क है, कहीं कोई डेटा आपका डिफरेंट वैल्यूज है. तो अब अगर डिफरेंट वैल्यूज कहीं पर आ रही हैं आपकी या मिसिंग वैल्यूज हैं, तो आप जब एक्सेल में यूज करोगे तो एक्सेल में ये चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ना ही एक्सेल के साथ अगर आप कोई डेटाबेस में कोई ऑपरेशन यूज करोगे देन कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या वो उसको एनालिसिस ही नहीं कर पाएगा. बट पांडास हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल दीज टाइप ऑफ मिसिंग वैल्यूज ऑल्सो, दीज टाइप ऑफ इनकरेक्ट डेटा ऑल्सो. दीज आर दीज प्रोसेस व्हेन दैट मिसिंग वैल्यूज हैंडल बाय द पांडास, डिफरेंट वैल्यूज हैंडल बाय द पांडास, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लीनिंग प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड द डेटा क्लीनिंग, और यू कैन से आउटलायर्स रिमूवल. ओके, सो पांडास ये भी आपका काम करता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पांडास डेटा स्ट्रक्चर्स. तो पांडास हैव मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, सो वी आर कमिंग ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, पांडास डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, सो इन द पांडास डेटा स्ट्रक्चर्स we have three types of data structures which are used in pandas. okay, so first one is series. series ka kya kaam hota hai, series aapka one dimensional labeled homogeneous data hota hai. matlab kya hai ki aapke series mein ek hi dimension ko read karega
और उसका एक लेबल होगा। लेबल इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो, आपका एक इंडेक्स हो गया 1 2 3 4, और एक वर्क प्लेस का कॉलम हो गया वर्क प्लेस, जिसमें आपके चार पांच वैल्यूज होंगी, नॉट ओनली 4 to 5 वैल्यूज होंगी, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, बट ओनली वन कॉलम होगा, ठीक है। तो आपका वन डायमेंशनल होगा और लेबल्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टेबल की बात करें, टेबल तो आप समझ तो रहे होगे ना टेबल क्या है। टेबल अगर आपकी कोई टेबल है आपके पास, यही आप जैसे एग्जाम्पल देख लो कि आपके पास टेबल्स बनी है, तो टेबल्स इसमें मल्टीपल कॉलम्स है, बट आपके सीरीज में आपका एक ही कॉलम होगा जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होंगी। तो दिस इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल लेबल्ड डेटा। होमोजीनियस डेटा क्या है कि आपका एक ही टाइप का डेटा होगा, या तो इंटीजर होगा या तो केवल आपका अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस डेटा हो गया। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर ये फिर करता है डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं? डेटा फ्रेम्स आपके 2D और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशनल लेबल्स लेबल्ड डेटा को ये डील करता है। साथ में हेट्रोजीनियस टेबुलर स्ट्रक्चर मेथड होता है। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेबुलर फॉर्मेट्स को भी ये यूज करता है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ सीरीज को एक साथ अगर आप मिला लो, दो सीरीज को एक साथ कंबाइन कर लो, तो दैट विल बी कॉल्ड द डेटा फ्रेम। ओके, तो सीरीज वन है, फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज है आपकी न्यूमेरिकल डेटा की और दूसरी सीरीज है आपकी अल्फाबेटिकल डेटा की, तो उन दोनों का अगर आप एक एक साथ ज्वाइन कर लो तो आपकी दो सीरीज हो जाएंगी, दैट टू सीरीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का मतलब क्या हो गया, ये आपका लेबल्ड डेटा तो हुआ, दो सीरीज आपकी लेबल्ड डेटा हो गई, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है, इसका मतलब क्या, आपका हेट्रोजीनियस डेटा हो गया। तो इट मीन्स टू डायमेंशनल हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर कैन बी हैंडल्ड बाय द डेटा फ्रेम। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड आता है पैनल। अब पैनल क्या होता है, आपका थ्री डायमेंशनल लेबल्ड एरे होता है, बट पैनल पांडास हम बहुत कम यूज करते हैं, मेनली इन तीनों में आपका यूज होता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर विच आर वाइडली यूज इन द पांडास। ओके, सो दीज आर द पांडास डेटा स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन द पांडास वर्सेस नमपाई। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो नमपाई आपका जो होता है वो एरे के साथ यूज किया था, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपका नमपाई एरे इज यूज्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पांडास डेटा ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो भी हम नमपाई में यूज कर रहे थे वो सारा सारा एरे में हम यूज कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका नमपाई और पांडास, दोनों जो होते हैं आपके पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं जो आपकी साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज की जाती हैं। सिंपल आपके जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं, वो भी हमने नंपाई में भी यूज किए थे, और वही सेम चीज हम पांडास में भी यूज करेंगे, बट पांडास आर मोर फिजिबल देन नंपाई। इवन पांडास में हम नंपाई को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पांडास यूज फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन वी यूज नंपाई ऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अभी हम जब नंपाई पढ़ेंगे तो सॉरी पांडास पढ़ेंगे तो इस चीज की बात फिर से आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए क्या करते हैं। अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपका, जैसे मैं तो कोलैब में आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग यूज कर रहे होंगे पाईचार्म यूज कर रहे होंगे, कुछ पाइथन आइडियल यूज कर रहे होंगे, तो वहां के लिए आप जैसे आपको पांडास को इंस्टॉल करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, कमांड लिखोगे पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। इस टाइप से आप पांडास को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि आप, अब जैसे आपका तो इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद आप पांडास को यूज कैसे करोगे या इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करोगे, तो आप क्या करते हैं कि इंपोर्ट इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। तो जहां पर आपका पांडास लाइब्रेरी को एज अ पीडी नाम देकर हम उसको कॉल करा सकते हैं हर बार, ठीक है। तो इस तरह से हम पांडास को इंपोर्ट कराते हैं अपनी फाइल पे, ठीक है। तो ये था आपका पांडास का सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू, ठीक है। अब हम आते हैं पांडास आफ्टर ऑल यूज कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो यहां तक अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यस और नो? नो सर, कोई अखिल चौधरी को जानता हो तो उसको बोल दो कि अपनी MIT वाली उसकी ईमेल आईडी यूज करे, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू यूज फ्रॉम द पर्सनल आईडी, सो आई कैन नॉट एडमिट हिम, ठीक है। तो
अगर कोई अखिल चौधरी को जानता तो उसको ये इन्फॉर्म कर दे। ओके तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब पांडास को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो वही आपको सभी को कोलैब खोलो सब लोग। तो मैं कोलैब So, आप सभी लोग को दिख रही है मेरी कोलैब की फाइल? यस सर। तो पांडास में सबसे पहले मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से बताए थे, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स थे? फर्स्ट था मेरा सीरीज। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सीरीज कैसे बनाते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, पहले हम सबसे पहले नाम डाल देते हैं। पांडास प्लस फॉर सीरीज। ओके, नाउ हाउ टू मेक सीरीज। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पांडास की लाइब्रेरी को कॉल करानी है, तभी आपका पांडास काम करेगा। ठीक है, तो उसका भी मैंने आपको क्या बताया, इंपोर्ट करानी है लाइब्रेरी पांडास एस पीडी। ओके, और यहाँ पर आप शिफ्ट इंटर दबा दोगे तो सिंपल ये आपका रन कर जाएगा। ठीक है, इंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, शिफ्ट इंटर कर दोगे तो आपका रन करेगा। आई थिंक नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, दैट्स व्हाई इट विल बी कमिंग लेट, बट इट कैन कम। नाउ इट विल बी रनिंग। सो हमारी पांडास आपकी इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो सीरीज बनाएंगे हम लिस्ट के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट कॉल कराते हैं। ठीक है, लिस्ट के लिए हमारे पास कोई भी 1 2 3 एंड फॉर एग्जाम्पल एक हम ये स्ट्रिंग ले लेते हैं साथ में। ठीक है, अब ये लिस्ट है, तो अब इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, सीरीज में कॉल कराएंगे। ठीक है, अब उसको कैसे हम कॉल कराते हैं, पीडी डॉट सीरीज। सीरीज में ध्यान रखना कैपिटल में एस होगा, बाकी सारे आपके लोअर होंगे। ठीक है, लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपने पीडी डॉट सीरीज, सीरीज को आप सीरीज में आपने लिस्ट को कॉल करा दी, और हम इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, और अब हम एक्स को एक कॉल करा लेते हैं, राइट। तो अब हमारा देखो एक सीरीज बन गई आपकी, यहाँ आपका 0 1 2 3, आप ये देखो कि ये आपका बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्सिंग होती है आपकी 0 से स्टार्ट होती है, और आपकी जो लिस्ट है वो 1 2 3 उमंग 1 2 3 उमंग। ठीक है, इस टाइप से आपकी लिस्ट बन गई। ओके, नेक्स्ट अब आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा टाइप है, किस टाइप की आपकी ये जो भी आपने बनाया वो क्या क्या टाइप है उसका। ठीक है, तो आप टाइप चेक कर लो, उस सीरीज का नाम दे दो और रन करा दो। ठीक, तो आपके यहाँ पर देख लो पांडास डॉट कोर्स सीरीज डॉट सीरीज आ गया, कि आपका टाइप पता चल गया किस टाइप की है, ये आपका एरे या आपका सीरीज टाइप का एरे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कि आपको चेक करना है कि ये लिस्ट के थ्रू आप कैसे बनाते हो। जैसे आप, मैंने आपको बताया ये चीज, तो ये लिस्ट के थ्रू ही बन गई। ठीक है, अब हम आते हैं कि एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब एम्प्टी लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कोई बताएगा, सीरीज हो एम्प्टी सीरीज हो। सिंपल है, आप जो भी आपके जो लिस्ट है आपकी लिस्ट के अंदर आप कुछ डाल रहे हो। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर डालने की बजाय, लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यूज डालने की बजाय आप उसको खाली छोड़ दो, तो आपकी जो सीरीज में आएगा वो आपका खाली होगा। ठीक है, तो अब इसके पहले एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम कॉल, जो लिस्ट के थ्रू जब हम सीरीज को बनाते हैं तो उसको और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज दिस वन एंड दिस। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया है कि पी डी डॉट सीरीज है, सॉरी अब कॉमा अब देखो मैंने इस तरीके से आपकी
लिस्ट के थ्रू सीरीज बनाइए। इस टाइप से भी आप बना सकते हो और इस टाइप से भी बना सकते हो, ठीक है? दोनों तरीके सेम है। डायरेक्टली यहाँ पर मैंने पहले लिस्ट बनाई थी, लिस्ट को यहाँ पर सीरीज में कॉल करा लिया था। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सीरीज के अंदर ही डायरेक्ट लिस्ट बना ली है, ठीक है? और इसको हमने प्रिंट करा लिया, तो आपका सेम आउटपुट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर ये देखो कि पीडी डॉट सीरीज है, लिस्ट मैंने यहाँ पर आपका डेटा डेटा वैल्यूज डाली हुई है। अगर मैं ये डेटा वैल्यूज ना डालूं तो दैट विल बी कॉल्ड द एम्प्टी लिस्ट, एंड एम्प्टी लिस्ट विल बी कॉल्ड इन द सीरीज। तो आप एक बार चेक करके देख लो क्या आता है। एक्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज एंड आपने लिस्ट एम्प्टी छोड़ दी, राइट? तो क्या हुआ, कॉल करा दो तो सिंपल आपका यहाँ देख लो क्या आ रहे, एंट्री पॉइंट आर लॉन्चिंग ऑफ द आई पता सॉरी सीरीज आर एम्प्टी, ठीक? द डिफॉल्ट टाइप फॉर एम्प्टी सीरीज विल बी ऑब्जेक्ट, ठीक? तो इस टाइप से हम एम्प्टी सीरीज को कॉल करा सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हमको अगर इंडेक्स चेंज करनी हो। अब यहां पर आपकी इंडेक्स क्या, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ रही थी 0 1 2 3, ठीक है? अब ये जो 0 1 2 3 है मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कराते हैं। तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल चेंज इंडेक्स। ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही है कि आपने जो लिस्ट बनाई है वो सीरीज बनाई है, पहले उसको सीरीज को कॉल करते हैं, ठीक है? तो एक्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, लिस्ट बनाएंगे आप, लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ओके, ये आपकी लिस्ट बन गई। अब लिस्ट के बाद मैंने क्या किया, इंडेक्स में मुझे चेंजेस करने, तो नया इंडेक्स हम क्या बनाते हैं, वो देंगे हम इनको कि पांडा भैया मेरी जो इंडेक्स है वो आप ये बनाओ, कॉमा ए कोलन बी कॉमा सी एंड हियर। चलो एक बार यही करके देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रिंट करा दिया एक्स को, अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अब जरा यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था और यहाँ आउटपुट क्या है, लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यू इज 4, इंडेक्स इंप्लॉयज 3। व्हाट इज दैट मीन, यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर आपकी सीरीज की जो वैल्यू है वो 4 है तो आपकी इंडेक्स की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय दिस पांडास इन द सीरीज। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चौथी वैल्यू भी डालनी पड़ेगी डी। ओके, नाउ यू हैव टू रन एंड आउटपुट विल बी कमिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो आप कि यहाँ आपका जो पहले इंडेक्सिंग थी 0 1 2 3 थी, बट नाउ इंडेक्सिंग विल बी चेंज्ड ए बी सी डी वॉट एवर यू गिव। अगर इनकेस मैं यहाँ पर कोई और भी चीज देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडेक्स में मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है? तो क्या हुआ आउटपुट में, योर नेम विल बी कमिंग हियर, ठीक? इस टाइप से हम इंडेक्स नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, हाँ एक्सक्यूज मी सर, बेटा बोलो। सर अगर हम इंडेक्स दो इंडेक्स का सेम नेम दे देंगे तो वो प्रिंट करेगा? पहले एक बात बताओ बेटा, यस आपके बुक में इंडेक्स कितनी होती है, इंडेक्स क्या दो हो सकती है फिर? नो सर, तो ओके, तो सर वो एरर दिखाएगा फिर प्रिंट कर देगा, क्योंकि सर ये प्रिंट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये दो एक बात इंडेक्स करके चेंज देखते हैं। आप दो इंडेक्स कैसे बता रहे हो बताओ, सीरीज मैंने किया 1 2 3 4, अब आपको हो क्या करना है जाएगा। बताओ, इंडेक्स है कहाँ, इंडेक्स तो आपकी एक ही है ना, दूसरी इंडेक्स है कहाँ आपकी? सर अगर हमने ए की जगह इंडेक्स बी लिया तो वो तो दो सेम इंडेक्स हो गए ना। आप क्या करने जा रहे हो, एक बार मुझे क्या पेस्ट करो, क्या कहना चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सर इंडेक्स दो इंडेक्स कैसे ले रहे हो, इंडेक्स तो एक ही है यहाँ पर, जो ये बाय कह डिफॉल्ट रही इंडेक्स आई है वो 1 0 1 2 3 तो आई है। हाँ है सर, अगर हमने इंडेक्स जैसे आपने ए बी और सी और डी लिए हैं, अगर हमने बी बी सी और डी लिए तो वो प्रिंट करेगा क्यों नहीं करेगा, क्या आप कर रहे हो डबल ए? सर? बी सर ए की जगह बी करेंगे अगर, हाँ क्यों नहीं करेगा, तो आप अपने, मैंने आपको क्या बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंडेक्स दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप सेम सेम ही सेम दे दो, चारों सेम दे दो, वो प्रिंट करेगा। ओके सर।
अभी कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, मैं पहले आपका सोच रहा था कि आप ये बोल रहे हो कि दो इंडेक्स दे रहे हैं, तो वो मैं समझ नहीं पाया था आपकी बात। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। ठीक, यस सर, नेक्स्ट अब आते हैं। यस। यहाँ पर देखो आपका क्या दिखा रहा है कि डी टाइप जो आपका है वो इंटीजर 64 दिखा रहा है। अगर हमें ये भी चेंज करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू? अब आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले तो आप यही लिख लो, कॉपी कर लेते हैं इसको, ये आपका आ गया। साथ में अब यहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू भी आ गई। अब इंडेक्स वैल्यू के बाद आपको डेटा टाइप के लिए डी टाइप लिखोगे। ठीक है, डी टाइप इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लोट देते हैं, ठीक है, फ्लोट, एंड चलो फ्लोट ही देते हैं। ठीक, तो राइट, अब देखो आपकी जो भी वैल्यू थी वो फ्लोट में आ गई। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो कि आपने फ्लोट तो डाल दिया, अब जो आपकी डेटा वैल्यूज हैं उन डेटा वैल्यूज को आप क्या करते हो, कोई नाम देना चाहते हो। ठीक है, तो उन डेटा वैल्यूज को नाम देने का मतलब क्या है कि सेम थिंग आपको यही कॉपी करनी है। फिर से आप क्या करोगे, नेम देना है तो कॉमा नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं सीरियल नंबर। ओके, नाउ यू हैव टू चेक दीज डेटा वैल्यूज हैविंग द नेम सीरियल नंबर। ओके, सो लाइक दिस यू कैन गिव द नेम फॉर एनी कॉलम। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं। अब जैसे ये क्या है कि अभी तक हमने तो मल्टीपल वैल्यूज दी थी, ठीक है, अब मल्टीपल वैल्यूज के बाद अगर आप स्केलर वैल्यूज देना चाहते हो, ठीक है, तो आप स्केलर वैल्यूज भी दे सकते हो। मतलब क्या है कि आप सिंगल वैल्यूज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप स्केलर वैल्यूज दे रहे हो इट शुड बी हैव टू सिंगल वैल्यूज, आइदर इट कैन बी इंटीजर, आइदर इट विल बी स्ट्रिंग, आइदर इट विल बी फ्लोट, बट इट शुड बी सिंगल वैल्यूज इन द स्केलर वैल्यू इफ यू वॉन्ट टू गिव। ओके, तो अब स्केलर वैल्यू करके देख लेते हैं एक बार। स्केलर वैल्यूज तो आप सिंपल क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज सीरीज, कोई भी वैल्यू दे दो आप, फॉर एग्जाम्पल 3.4। ओके, एंड यू हैव टू प्रिंट एक्स। अब देखो आपका आउटपुट आ जाएगा 0 इंडेक्सिंग एंड 3.4, आपकी स्केलर वैल्यू हो गई। अब क्या है कि आपको मल्टीपल स्केलर वैल्यूज देनी है, मतलब मल्टीपल आपके डेटा सेट, वो सॉरी मल्टीपल इंडेक्सिंग में आपको स्केलर वैल्यूज देनी है, बट स्केलर वैल्यूज हैज टू बी सेम। ओके, तो आप क्या करोगे, आप अपने इंडेक्स नंबर डालोगे और सेम वैल्यूज आप प्रिंट कराओगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, एक्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 3.4, ओके कॉमा इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यूज आपको कितनी नंबर ऑफ इंडेक्स चाहिए वो आप डाल दोगे, इंडेक्स में 1, 2, 3। ओके, 3 टाइम्स फॉर एग्जाम्पल आपको 3.4 प्रिंट कराना है। ठीक, तो आप यहाँ पर प्रिंट करा दो एक्स। नाउ यू कैन सी समथिंग इक्वल्स टू तो ओके इक्वल टू आएगा इंडेक्स पे। ओके ओके राइट इक्वल टू, थैंक यू। आपका यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 3.4, 3.4, 3.4, लाइक दिस इट कैन बिकम। तो आपके स्केलर वैल्यूज हैज टू बी सिंगल वैल्यूज बट यू कैन प्रिंट मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो ये तो था आपका स्केलर वैल्यूज के लिए। अब आपको सीरीज क्रिएट करनी है बाय द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, तो आप डिक्शनरी के लिए क्या करते हैं, तो डिक्शनरी के लिए आपके पास दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, दो वैल्यूज में पहली वैल्यू आपकी होगी की वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू होगी आपकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है, तो आप जरा चेक करते हैं कैसे हम डिक्शनरी के थ्रू बनाते हैं। क्रिएट सीरीज बाय डिक्शनरी, ओके, तो क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। अब यहां पर हमें क्या करना है, डिक्शनरी बनानी है, तो डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस ए। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिक्शनरी में आपकी दो चीजें होती हैं, पहली की वैल्यू होगी, सेकेंडरी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने की वैल्यू दे दी ए कोलन 1, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ओके,
कॉमा सेकंड आपकी की वैल्यू है आप बी कोलन टू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसी को मैंने प्रिंट करा लिया एक्स, तो नाउ यू कैन सी डिक्शनरी केम, ये आपका है की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी ये हो गई, ठीक है। तो आपकी की वैल्यूज हो गई, करस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यूज आ गई, क्लियर हो गया सभी को। ओके यस okay. सर। तो अब हम आते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था अभी जब इंट्रोडक्शन में पांडास का दे रहा था, तो पांडास आर जस्ट सेम एज नंपाई एरे, ठीक है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल फंक्शंस विच वी ऑलरेडी डन इन द नंपाई। तो अब जब देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस जो नंपाई में मैंने यूज किए थे वो हम पांडास में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया था कि वहां पर एक 1D एरे बनाते थे, तो वो एरे हम यहाँ पर कैसे कॉल कराते हैं, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, ओके सिंपल, आपने लिस्ट कॉल करा ली 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पर हम करा सकते हैं एक्स को प्रिंट, सिंपल आपका एरे प्रिंट हो गया। यहाँ पर क्या आपकी सीरीज बन गई और वहां से एरे उठ के आ गया 1 2 3 4 5 0 2 4 इंडेक्सिंग में, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। अब हमें कोई भी इंडेक्सिंग जैसे फॉर एग्जांपल चेक करनी है कि कौन सी वैल्यू कौन सी है, तो अब यहाँ पर सामने सामने मुझे दिख रहा है कि 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू 1 है, 1th इंडेक्सिंग की वैल्यू 2 है, 2th सेकंड इंडेक्सिंग की वैल्यू 3 है। तो जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पस वी कैन सी एक्स इंडेक्सिंग जीरो, देखते हैं वैल्यू 1 आनी चाहिए आपकी, 1 आ गई। फॉर एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं 4, आपकी क्या है वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। लाइक दिस वी कैन चेक द इंडेक्सिंग ऑल्सो। अब जैसे मैंने आपको नंपाई में स्लाइसिंग भी बताई थी, यहाँ पर आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। स्लाइसिंग सिंपल, आपने एक्स कॉल कराई, जो मैंने आपकी सीरीज बनाई थी एक्स, उसकी स्लाइसिंग कर दी मैंने 0 कोलन 3, ठीक है। तो 0 कोलन 3 का मतलब क्या है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज हमारे पास आएंगी, 0 से 2 तक। 0 से लेकर 2 तक, वेरी गुड। तो ये चेक कर लेते हैं, ये देख लो 0 1 2 इंडेक्स की सारी वैल्यूज आ गई। क्यों ये थर्ड वैल्यू क्यों नहीं आई, कोई रीजन बताएगा मुझे? हाँ एक कम लेता है सर। बिल्कुल, स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू रिटन हियर बट एंड विल बी प्रिंटेड एंड -1, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि स्लाइसिंग में प्रिंट जो करेगा स्टार कॉमा एंड -1 तक करेगा, जो भी आप लिखोगे उसका जो प्रिंट आएगा आउटपुट वो स्टार तो स्टार से ही होगा बट एंड -1 तक वो प्रिंट करेगा, ठीक है। सर एंड -1 ही क्यों होता है? मतलब जरूरी है एंड -1 डिफाइन है क्या? तो हम कुछ कर भी सकते हैं, क्या कर लास्ट सकते हैं, वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। मैं कह रहा हूँ सर एंड -1 होता ही क्यों है सर? आखिरी वैल्यू कम ही क्यों करता है सर? एक कम करता ही क्यों है? वो बेटा सिंपल सी बात है, आप लूप्स यूज करते ही थे ना, जब भी आप 0 से स्टार्ट करोगे तो कहाँ तक जाएगा, n-1 ही तक तो जाएगा। तो सर अगर 1 से ले लें, अगर हाँ 1 से स्टार्ट करें फिर यहाँ पे इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, ये जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होगी। सर बस वही है कि एंड वाले पूछना था कि जरूरी क्यों होता है ये वो बेटा इंडेक्सिंग। तो सर इसीलिए है पता कि है सर आपका, 0 से स्टार्ट हो रहा, वो तो पता ही है सर, वो हाँ भी 0 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ओके सर, ठीक चलो। अब नेक्स्ट आते हैं हमको, जैसे मैंने नंपाई में आपको मैक्सिमम भी मिनिमम भी दिखाया था, तो सेम टू सेम आप यहाँ पर भी उसको मैक्सिमम मिनिमम ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। मैक्स एक्स प्रिंट करा दो, तो मैक्स वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पर 5 है तो 5 आ गई। मिन वैल्यू आप इसी तरह चेक कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 1 है, 1 आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसी तरह आप कंडीशन ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगा दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंडीशन लगा दी एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो वॉट एवर वैल्यूज आर ग्रेटर देन 3 इट विल बी कमिंग इन आउटपुट, ठीक है। तो आपकी वो वैल्यूज आ गई एक्स इज ग्रेटर देन 3 वाली, ठीक है। अब जैसे आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हो, सब्ट्रैक्शन यूज करते हो आप, एडिशन यूज करते हो,
तो उसके लिए क्या करोगे, ठीक है? तो सिंपल, आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपको यूज करना है, तो आपके पास दो सीरीज होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले तो एक्स सीरीज तो आपके पास है ही ऑलरेडी, तो एक्स आपने देख लिया क्या है आपके पास, 0 to 4, एंड यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज हैं वो 1 to 5 हैं। अब हमें एक वाई सीरीज, कोई दूसरी सीरीज हम कॉल कराते हैं, ठीक है? तो वाई सीरीज हम बनाते हैं, एक वाई इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट 6 7 8 9। चलिए यहीं पर देखते हैं, और ये आपका आ गया वाई। तो यहाँ पर आपकी दो आपकी सीरीज बन गई, ठीक है? अब दो सीरीज के बाद हमने क्या किया, इनका एडिशन कराना है। तो एडिशन सिंपल क्या करोगे, एक्स प्लस वाई, ओके? तो एक्स प्लस वाई में आप देखो क्या आ रहा है आउटपुट, एज इट इज सेम आ रहा होगा आपका। एक्स किया 1 + 6 = 7, 2 + 7 = 9, 4 3 + 8 = 11, एंड 4 + 9 = 13। बट लास्ट वाला जो है आपका एन ए एन आ रहा है, एन ए एन का कोई मतलब बता सकते हैं क्या है? अब यहाँ पर ये देखो कि मैंने जो वाई सीरीज बनाई थी वो आपकी फोर वैल्यूज की थी, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आपकी वाई सीरीज थी वो आपकी फोर वैल्यूज की है, यहाँ पर आपकी फाइव वैल्यूज की है, बट इन दिस सेक्शन इट कैन बी हैंडल बाय द मिसिंग वैल्यूज ऑल्सो। यही बात मैं कह रहा था, पांडास हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर देखो आपके फोर्थ इंडेक्सिंग की वैल्यू यहाँ पर 5 है, बट वाई सीरीज में फोर्थ इंडेक्सिंग की वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या किया, उसको फिर भी उसने टैकल किया, हैंडल किया, और वहां पर आउटपुट दे दिया एन एन नॉट अ नंबर करके, ठीक है? तो पांडास में अभी मैं आगे आपको जब बताऊंगा, तो पांडास में इस चीज का ध्यान रखना कि एन एन का मतलब क्या है, नॉट अ नंबर। कोई भी मिसिंग वैल्यू अगर वहां होगी, या नंबर ऑफ थिंग्स अगर अलग तरीके से लिखी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैश एन ए लिखा हो, या मैं लिख देता हूँ तो आपको शायद याद रहेगा, जैसे इस टाइप से हैश एन ए लिखा हो, या हैश एन ए एन लिखा हो, या हैश या सिंपल कैपिटल ए कैपिटल एन लिखा हो, या एन ए एन लिखा हो, या एन ए एन लिखा हो, या नल लिखा हो, या एन ए लिखा हो, दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन योर डेटाबेस, देन पांडास ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्ट ऑन एन ए एन, ओके? इस बात का ध्यान रखना, डेटाबेस में जब भी हम पांडास का यूज करेंगे मशीन लर्निंग के टाइम पे, तो दीज टाइप ऑफ वैल्यूज इफ आर इन द टेबुलर फॉर्म, या तुम्हारे डेटाबेस में है, तो क्या होगा, पांडास ऑटोमेटिकली उसको इस फॉर्म में चेंज कर देगा, एन ए एन के फॉर्म में, ठीक है? जिनको ये रीड नहीं कर पाएगा वो तो एज इट इज रहेंगी, बट जिनको ये रीड कर लेगा उसको एन ए एन के फॉर्म में चेंज कर देगा। इस बात का ध्यान रखना, हमारी नेक्स्ट क्लास या आज ही ये शायद वहां पर हम पहुंच जाए, ठीक है? तो एक्स प्लस वाई हमने इस तरह से एडिशन कर लिया। अब उसके बाद अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो एक्स माइनस, सर ये फ्लोट क्यों हुआ, हाँ फ्लोट क्यों हुआ, फ्लोट फ्लोट आ गया हो क्या? नहीं सर, इंट इंट सीरीज थी ना दोनों, हाँ फ्लोट कैसे हो गया? बिल्कुल सही। अब यहाँ पर फ्लोट इसलिए आया था क्योंकि मैंने फोर्थ वैल्यू मिसिंग कर दी, ठीक है? अगर हम यहाँ फोर्थ वैल्यू दे देते, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देख के दिखा देता हूँ आपको, 9 10, नाउ यू कैन सी इंट वैल्यू आ गई, ठीक है? वहां पर मैंने आपकी जो वैल्यू की थी वो मैंने मिसिंग कर दी थी। मिसिंग करने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो वर्स्ट केस हो सकता है क्या आ सकता है, फ्लोट वैल्यू तो आ सकती है, अगर इंटीजर नहीं होगी तो दूसरी वैल्यू आ सकती है, तो कितनी बड़ी भी वैल्यूज आप दे सकते हो। तो इसलिए उसने वर्स्ट केस को लेते हुए फ्लोट में चेंज कर दिया, जिससे आप कोई भी वैल्यूज वहां पर डाल सकते हैं, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द अपांडास, ठीक है? तो फ्लोट का तो आपका जो मालूम है कि इंडेक्सिंग कितनी बड़ी होती है, एंड से तो बड़ी ही होती है, ठीक है? इसलिए वहां पर बाय डिफॉल्ट उसने फ्लोट डाल दिया था। क्लियर हुआ आप? यस चलो अब नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन में, सेम सब्ट्रैक्शन भी आपका आ जाएगा इसी तरह आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, सेम थिंग यू कैन कॉल, ठीक है? करके दिखाऊं? नो सर। चलो अब नॉन इंडेक्सिंग वैल्यू तो मैंने आपको बताई दी, ठीक? अब क्या करते हैं, तो दीज आर द ऑपरेशंस आर कमिंग ऑन द
सीरीज, ठीक है। तो ये तो आपका सीरीज का काम होता है। सीरीज में आप देख ले एक बार, समराइज में हमें फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज कराई थी हमने। सीरीज सबसे पहले हमने लिस्ट के थ्रू कॉल कराई थी, जिसमें हमने पीडी डॉट सीरीज पहले लिस्ट बनाई थी 1 2 3 एंड उमंग, तो उसको हमने लिस्ट में कॉल करा ली थी, सीरीज में लिस्ट को कॉल कराए थे, दैट्स वाई ये हमारा बन गया था। उसी सीरीज का हमने टाइप चेक किया था, तो टाइप से हमको ये पता चल गया था अगर आपको सीरीज लिस्ट के थ्रू कॉल करानी है तो एक और तरीका है, वो इस तरीके से आप करा सकते हो, पीडी डॉट सीरीज और लिस्ट की वैल्यूज को डायरेक्टली कॉल करा लो, ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एम्प्टी सीरीज को बताया था, एम्प्टी सीरीज में क्या होगा कि लिस्ट की कोई भी वैल्यूज ना डालो, फ्री रखो, तो दैट विल बी कॉल्ड द एम्प्टी सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको किसी भी सीरीज का इंडेक्स चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन गिव द नेम ऑफ द इंडेक्स एंड इट विल बी कम। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू बी 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 लिख दिया था, तो वो आपकी इंडेक्स वैल्यूज आ गई, जो पहले आपकी 0 1 2 3 था वो आपका चेंज होके बी 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 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसी सीरीज का आपको टाइप चेंज करना है तो आप टाइप चेंज कर सकते हो, जैसे पहले आपका इंड 64 था, नाउ इट विल बी कमिंग ऑन द फ्लोट 64, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको किसी भी डेटा वैल्यूज का नाम देना है तो आप वो नाम दे सकते हो, उसका लेबल कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ तो मल्टीपल वैल्यूज का यूज किया था, अगर आपको स्केलर वैल्यूज का यूज करना है तो स्केलर वैल्यूज का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्केलर में भी आपको मल्टीपल स्केलर वैल्यूज देनी है, सिंगल होगा बट सिंगल स्केलर वैल्यूज विल बी प्रिंटेड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सिंग ऑल्सो, तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। अब सीरीज को मैंने डिक्शनरी में कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के साथ आप नंपाई के ऑपरेशंस कैसे यूज करते हो, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशनल ऑपरेटर्स, एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, दीज टाइप ऑफ ऑपरेशन यू कैन डू इन द सीरीज, ओके। तो सीरीज समझ में आ गया सभी को? यस सर, यस सर, चलो यस सर। अब नेक्स्ट आता है आपका डेटा फ्रेम, ओके। तो सबसे पहले तो आपको डेटा फ्रेम जान लेना चाहिए कि डेटा फ्रेम होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि सीरीज आपका सिंगल डायमेंशंस लेबल्ड होमोजीनियस डेटा होता है, बट यहाँ पर डेटा फ्रेम आपका टू डायमेंशनल सीरीज होती है, ठीक है। पहला तो टू डायमेंशनल सीरीज हो गई, नेक्स्ट आपका साइज म्यूटेबल भी होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या है, चेंजेबल, जो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सीरीज का डेटा आप एक साथ ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। और लेकिन वो सारे आपके लेबल्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपके होता है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में हम कैसे यूज करते हैं उसको, हम देखते हैं, न्यू बनाते हैं, अभी नई फाइल आपकी मेरे में खुल आपको दिख रही है या वही दिख रही है स्टूडेंट्स? वही दिख रही है सर। अच्छा वही दिख रही है, चलो मैं दिखाता हूँ। अब नई फाइल आई अब? गई है सर। यस सर। चलो पांडास डेटा फ्रेम, तो आपका डेटा फ्रेम तो समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि डेटा फ्रेम यूज बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही पांडास को पहले कॉल कराओ, तभी आपका कुछ भी काम हो पाएगा यहाँ पर। यस पांडास ओके, यहां पर अब पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ओके। यहां पर आपने डेटा फ्रेम में कुछ भी नहीं दिया तो आप ये आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम बनता है, ठीक है।
सॉरी अभी प्रिंट नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि अब सबसे पहले तो डेटा फ्रेम तो आपने बना लिया, बट डेटा फ्रेम को किसी किसी आपको उसमें यू सेव करना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए df एक वेरिएबल मान लिया, ठीक है, और df को हमने प्रिंट करा दिया। तो आपका ये एम्प्टी डेटा फ्रेम, यहाँ देख लो कि आपका कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी डेटा फ्रेम, ठीक है। अब आपको डेटा फ्रेम बनाना है यूजिंग लिस्ट, ठीक। तो हैश क्रिएट पांडास डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट, ओके। तो आप कैसे बनाते हो, सबसे पहले आपको लिस्ट को कॉल करा दो। सबसे पहले लिस्ट इज इक्वल टू कोई भी बना दो, 2, 3, 4, 5, ओके, ये आपकी लिस्ट बन गई। अब उसके बाद क्या करते हो आप, वही सेम चीज df इज इक्वल टू td। ये df क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, कि जैसे df से ही समझ में आया आपका डेटा फ्रेम यूज कर रहे हैं। मल्टीपल हर जगह आप देखोगे तो डेटा फ्रेम को df से ही दिखाया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेम थिंग हियर आल्सो, ओके। तो pd डॉट डेटा फ्रेम एंड वही जो लिस्ट हमने बनाई थी उसी लिस्ट को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर आप df को प्रिंट करा देते हो, ठीक है। तो आप देखना जो आपका df होगा वो आपका डेटा फ्रेम पूरा बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आप देख लो आपका कॉलम का भी नेम है, आपका एक इंडेक्सिंग है, और आपकी रो की भी इंडेक्सिंग हो रखी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कहते हैं डेटा फ्रेम। अब आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए इसमें, तो आप क्या करोगे, सिंपल लिस्ट को आप बढ़ा देते हैं, लिस्ट में और भी नंबर ऑफ लिस्ट ज्वाइन कर देते हैं। तो लिस्ट बनाई इज इक्वल टू यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा ए, सॉरी राइट, और क्या करना था यहाँ पर, लिस्ट हो गई ये। नेक्स्ट df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, लिस्ट बन गई थी, हमने वही लिस्ट यहाँ पर कॉल करा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर df को दोबारा कॉल करा दिया, वो सॉरी प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट क्या आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। अब इनवैलिड सिंटैक्स का ब्रैकेट यहाँ लगा पर क्या रखा प्रॉब्लम आ रही है, है सर, एक्स्ट्रा ब्रेसेस ब्रैकेट लगा लगा दिया दिया। है। राइट 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 राइट, चलो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। नाउ यू कैन सी सेम थिंग हैपेंड इन माय लास्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था कि आपके यहाँ पर लिस्ट में मैंने दो लिस्ट बनाई थी, 1, 2, 3, 4, 5 की और ABCD की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 4 वैल्यूज है, यहाँ पर 5 वैल्यूज है, बट स्टिल पांडास कैन हैंडल मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, पांडास जो है आपका मिसिंग वैल्यूज को भी हैंडल कर लेता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपके 0th इंडेक्स के लिए 1 और a है, यहाँ 1 और a है, 1 के लिए 2 और b है, 2 और b है, 2 के लिए 3 और c है, 3 और c है, 3 के लिए 4 और d है, तो 4 और d आ गई, 4th के लिए 5 एंड नन वैल्यू है, ये आपका आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल कॉलम्स का, ठीक। अब नेक्स्ट आता है कि आपको पांडास डेटा फ्रेम क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। इसको अगर डिक्शनरी के थ्रू आप करते हो तो इसको हम कहते हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका मल्टीपल लिस्ट का आप इसमें यूज करते हो। तो आप कैसे करेंगे, सिंपल मेक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, तो DICT, सिंपल डिक्शनरी हम यूज करें तो DICT यूज करते हैं, जिससे समझ में आए अच्छे से। तो डिक्शनरी यूज करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस, रोल नंबर आपकी की वैल्यू हमने यूज ली, और उसके लिए करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज 10, 20, 30, 40, ओके। नेक्स्ट df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम सीधे, नेक्स्ट डीएफ कॉल करा लेते हैं। आपका एक
डिक्शनरी ऑफ द लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पर भी लाना चाहते हो तो नंबर ऑफ आपको लिस्ट भी डालनी पड़ेंगी, ठीक है, डिक्शनरी में। तो आप क्या करते हैं, सेम कॉल कर लेते हैं और एक लिस्ट यहाँ पर और ज्वाइन कर लेते हैं। अब दूसरी लिस्ट हम मान लेते हैं कि आईडी है, ये 11, 12, 13, 14, ओके, सेम थिंग। अब यहाँ पर कॉल करा दें, यह आपका आ गया रोल नंबर आईडी और नंबर ऑफ लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, ये था पांडास डेटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब हम क्या करते हैं कि डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, अब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरीज हम लिस्ट में डालते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के लिए एलओडी लिख देते हैं, इज इक्वल टू हियर। अब टू कोलन 1 कॉमा टू कोलन 2, ये तो आपकी एक लिस्ट हो गई। अब दूसरी लिस्ट बना देते हैं, सॉरी डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी है आपकी ए कोलन कोलन 3 कॉमा बी कोलन 4। ओके, अब यहां पर कर दिया, साथ में आप क्या करोगे, आप एलओडी को कॉल करोगे डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पर एलओ डी। ओके, अब यहाँ प्रिंट करा देते हैं डीएफ को। अब यहाँ पर देखो आपकी आ गई लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब यहाँ पर वही एक चीज करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पर जीरो इंडेक्स के लिए जीरो, ए के लिए जीरो थे इंडेक्स के लिए ए और बी की वैल्यू 1, 2 है, और 1th इंडेक्स के लिए ए और बी की वैल्यू 3 और 4 है। यहाँ पर एक बार एक और चीज चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, आउटपुट क्या आएगा। सी सॉरी सी कोलन 5, कोई बताएगा आउटपुट क्या आएगा? इस कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा? नोबडी रिस्पॉन्स। कॉलम एक सी कॉलम बन जाएगा, सी का उसमें एक कॉलम बन वैल्यू, जाएगा, ठीक है, और एक वैल्यू उसमें नैन आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, 0 की आएगी कि 1 की आएगी? जीरो जीरो की की आएगी सर, जीरो चलो ठीक है, देख जीरो। लेते हैं, 0 की नैन आती है कि 1 की आती है, बिल्कुल सही। ठीक है, इस टाइप से हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कर सकते हैं, और आपको जैसे पता ही कि पांडास कैन हैंडल मिसिंग वैल्यूज, सो सेम थिंग यू कैन सी हियर इन आउटपुट। ठीक, अब ये तो हो गया आपका लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ठीक, अब डिक्शनरीज ऑफ द सीरीज करते हैं। ठीक है, पांडा डेटा फ्रेम बनाते हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज के लिए। ठीक, तो आप वो कैसे करेंगे, हैश पांडास डेटा फ्रेम्स फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। सिंपल, यहां पर हमने क्या रखेंगे, अब जैसे वहां पर सारी चीज लिख रहे, तो यहां पर भी हम DOS लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, DOS आप बनाओ सबसे पहले। तो आप क्या करना है कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज, ठीक है, तो अब आपको डिक्शनरी बनानी है, डिक्शनरी के अंदर आपको सीरीज डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, उसके बाद की वैल्यू रोल नंबर। ठीक, अब यहां पर क्या है कि अब आपको डालना है जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज में सीरीज डालनी है। तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज में सीरीज डालने के लिए आप क्या करोगे, पीडी डॉट सीरीज स्मॉल ब्रेसेस, यहां पर लिस्ट बनाओगे, क्योंकि सीरीज में तो आपको लिस्ट के थ्रू बनाओगे आप, तो 1, 2, 3, 4। ठीक, अब
नेक्स्ट आपको बनानी है टी वैल्यू सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सीरियल नंबर के लिए की वैल्यू तो आपने डिसाइड कर ली। अब उसके बाद अगेन आपको सीरीज दिखनी है, तो पीडी डॉट सीरीज टेस्ट 4, 5, 6, 7, 8, ये तो आपकी हो गई डिक्शनरी, ठीक है, जिसमें आपने सीरीज भी बना दी। अब आपको क्या करना है, बी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम में डिक्शनरी ऑफ सीरीज को कॉल करा लेंगे, ठीक, डी ओ एस। और अब यहाँ पर डेटा फ्रेम को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, ठीक। क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई सिंटैक्स गड़बड़ लिखा है? कौन था भाई इतना खतरनाक आवाज है जिसकी? सर फ्रेम का एफ कैपिटल सॉरी, कहाँ एफ पर है? कैपिटल एफ, राइट। तो यू कैन सी नाउ, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी ऑफ सीरीज भी बना सकते हो, राइट। तो इतना सबको समझ में आ गया? सर। एक क्वेश्चन है पूछो। सर, इसके ऊपर वाले में सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो सर, इसमें जो ये ए है, ये ए को पहली डिक्शनरी में भी ढूंढ रहा है और दूसरी डिक्शनरी में भी ढूंढ रहा है एज अ की। सर ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चीज? सर जो ए नाम की है हमारी डिक्शनरी में, मान लो हमने पहली वाली डिक्शनरी को डिक्शनरी वन मान लिया और हाँ कॉमा के बाद वाली को डिक्शनरी टू मान लिया, तो सर जो हाँ ए की है डिक्शनरी वन में, ये उसको डिक्शनरी बी में भी क्यों ढूंढ रहा है? डिक्शनरी बी में भी क्यों ढूंढ रहा है, ये कह रहे हो? यस सर, जो ए जीरो है, ए जीरो कोरिस्पॉन्ड कर रहा है जिसका आपकी वैल्यू वन आ रही है, वो तो आपका डिक्शनरी वन से रिलेटेड करता है, राइट। और जो ए वन से जो है यानी कि वन डिक्शनरी जो है वो ए को यहाँ पे भी ढूंढ रहा है, तो सर ये ए की वैल्यू को दो जगह पे क्यों ढूंढ रहा है? नहीं बेटा, ये चीज नहीं है। एक्चुअली क्या है, आपकी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में आपकी दो डिक्शनरी बनी हुई है। तो लिस्ट में क्या होता है, आपकी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग सर्चिंग होती है। तो आपका क्या है कि यहाँ पर जीरो की इंडेक्सिंग देख रहा है, ठीक है। जीरो की इंडेक्सिंग क्या है कि आपका ए और ए में है, ठीक है। वन की इंडेक्सिंग क्या है, आपकी बी बी में है। थर्ड की इंडेक्सिंग क्या है, आपकी सी की है। तो सी की आपकी जीरो में नहीं है बट इसमें है, ठीक है। आज बात समझ में, यस सर, ठीक है। तो आपका क्या है, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देख रहा है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है डिक्शनरी वो जीरोथ इंडेक्सिंग का है, और जो दूसरी इंडेक्सिंग है वो वनथ इंडेक्सिंग की है, ठीक है। यस आई सर, बात समझ में? यस सर यहाँ पर सर आप लिस्ट में देखो, आपके लिस्ट के अंदर डिक्शनरी चल रही है। तो आपके पास दो, एक लिस्ट में दो डिक्शनरी है। पहली लिस्ट डिक्शनरी की जो इंडेक्सिंग है वो जीरो है, और जो दूसरे डिक्शनरी की इंडेक्सिंग है वो वन है। क्लियर है? यस सर। सर एक लास्ट चीज जो उसमें था जहाँ पे नैन लिखा हुआ था सर, उसने सी आवाज को नहीं आ रही है। सर जो नैन लिखा हुआ था जहाँ पे,